आज हम बनाएंगे आलू के चिप्स की ड्राई और फ्राइड मसालेदार सब्जी। ये तीखे, खट्टे, मीठे और चटपटे फ्लेवर्स का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है, और क्योंकि ये एक ड्राई और फ्राइड सब्जी है, ये लंच बॉक्स के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बन जाता है, और ये ट्रैवलिंग में लंबे सफर पर भी ले जाया जा सकता है क्योंकि ये सब्जी जल्दी से खराब नहीं होती। तो चलिए इसे बनाना फटाफट शुरू करते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए यहाँ पे हमने 6 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। ये सारे आलूओं को हमें अच्छे से छील लेना है। हर आलू को छीलने के बाद पानी में डालते जाएंगे ताकि ये काले ना हो जाए। हम आलू को 2 हिस्सों में इस तरह डिवाइड कर लेंगे और फिर हमें इसे लंबाई में चिपके शेप में इस तरह कट कर लेना है। इन्हें हमें ज्यादा मोटा भी नहीं और ज्यादा पतला भी नहीं रखना है। इन कटे हुए आलूओं को हमें पानी से 2 से 3 बार रब करके अच्छे से धो लेना है। हमें इन्हें अच्छे से धोकर इनमें से सारा एक्स्ट्रा स्टार्च निकाल लेना है। ऐसा करने से हमारी सब्जी कम चिपचिपी, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेगी। हमें इसे तब तक धोना है जब तक पानी क्लियर ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये पानी अभी भी क्लियर नहीं है, मैला है। यहाँ मैंने इसे 3 बार पानी से धोया है और अब पानी बिल्कुल साफ दिखाई देता है। अब हम इस सारे आलूओं को छन्नी में निकाल लेंगे। हम एक कॉटन का कपड़ा ले लेंगे और सारे आलूओं को इस पर बिछाकर इसमें से एक्स्ट्रा मॉइस्चर पोंछ लेंगे। सारे आलू अच्छे से सूख चुके हैं और अब ये तलने के लिए रेडी हो चुके हैं। चिप्स को तलने के लिए हम तेल को एक कढ़ाई में गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है। हम इसमें थोड़े थोड़े करके सारे आलू फ्राई कर लेंगे। हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। हमारी चिप्स अब गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, हम इसे निकाल लेंगे। बाकी की सारी चिप्स को भी हम इसी तरह तल लेंगे। हमारी सारी चिप्स तलकर तैयार हो चुकी है। अब हम इस सब्जी का मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम एक कटोरी में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ले लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप इसे अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर और नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। सब्जी को और ज्यादा चटपटा बनाने के लिए हम इसमें 1/2 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच आमचूर पाउडर ऐड कर लेंगे। अब इन सारे मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब सब्जी बनाने के लिए हम एक पैन या कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। उसमें तड़के के लिए 2 से 3 चम्मच तेल ऐड कर लेंगे। तेल गर्म हो जाने पर हम इसमें 1/2 चम्मच राई और 1 चम्मच जीरा ऐड कर लेंगे। इन्हें 4 से 5 सेकंड चटकने के बाद हम इसमें 1 बड़ा चम्मच तिल ऐड कर लेंगे। फिर इन्हें 8 से 10 सेकंड के लिए भून लेना है। इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च और 8 से 10 कड़ी पत्ते ऐड कर लेंगे। इन्हें थोड़ी देर भुनने के बाद 1 चुटकी हींग डाल देंगे। अब हम इसमें हमारा तैयार किया हुआ मसाला ऐड कर लेंगे। अब इन्हें भी हमें स्लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लेना है। ध्यान रहे कि मसाला जल ना जाए, हमें इसे ज्यादा देर तक नहीं पकाना है।
मसाला अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें हमारी तैयार की हुई आलू की चिप्स ऐड कर लेंगे। इन चिप्स को मसालों के साथ प्रॉपरली मिक्स कर लेना है। हम इसमें आधा चम्मच चीनी ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, पर इसे ऐड करने से सब्जी का फ्लेवर एकदम ही बढ़िया आता है। इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला भी ऐड कर लेंगे। ये सारे मसालों से हमारी सब्जी एकदम ही चटपटी, तीखी और खट्टी मीठी बनती है। सभी चीजों को अब हम अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। आप इस सब्जी में आमचूर की जगह नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपको इसे लंच बॉक्स में देना है या लंबे सफर में ले जाना है तो इसमें आमचूर ही यूज करें, ताकि ये सब्जी ड्राई रहेगी और लंबे समय तक अच्छी रहेगी। अब लास्ट में इसमें धनिया ऐड कर लेंगे। हमारी मसालेदार आलू चिप्स की सूखी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे सर्व कर देंगे। आप इसे रोटी, पराठे या पूरी के साथ खा सकते हैं, या इसे नाश्ते में अकेले भी एंजॉय कर सकते हैं। स्पेशली ये आम की सीजन में आमरस और पूरी के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। मैं यहाँ इसे गर्मा गर्म थेपलों के साथ सर्व करूंगी। तो फ्रेंड्स, आप ये सब्जी जरूर बनाएं, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।